हेलो दोस्तों, आज के वीडियोस के अंदर हम बात करने वाले काइन मास्टर का लोगो कैसे रिमूव करें। दोस्तों जैसे आप काइन मास्टर डाउनलोड करते हो तो दोस्तों आपको क्या होता है कि काइन मास्टर पे कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हो, एक्सपोर्टिंग करते हो, तो दोस्तों वहाँ पे काइन मास्टर का लोगो बन जाता है, यानी कि साइड में आपको काइन मास्टर, मेड विथ काइन मास्टर या फिर मेड बाय काइन मास्टर लिखा हुआ आ जाएगा। और दोस्तों उस लोगो को आपको रिमूव करना है तो दोस्तों उसके कुछ पैसे देने पड़ते हैं आपको, दोस्तों उसके पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद वो लोगो होता है, वो रिमूव होता है और आपकी वीडियो ओरिजिनल कंटेंट पे बनती है। लेकिन जब तक आप उस काइन मास्टर के लोगो को रिमूव नहीं करोगे तब तक आपकी वीडियो किस सॉफ्टवेयर से एडिटिंग हुई है, किस से एक्सपोर्टिंग हुई है, उसके बारे में सबको पता चल जाएगा कि आपने काइन मास्टर से वीडियो बनाई है। और दोस्तों अगर उसको आपको हटाना पड़ता है, हटाना चाहते हो दोस्तों, तो उसके बदले आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद वो लोगो रिमूव होता है। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि काइन मास्टर का लोगो बिल्कुल फ्री में आप कैसे रिमूव कर सकते हो। और दोस्तों 100% वर्किंग ट्रिक बताता हूँ, उसी के लिए मैंने दोस्तों इस काइन मास्टर को ओपन कर कर रखा है। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारे पास जो काइन मास्टर का लोगो है यहाँ पे वो लोगो ही नहीं है। तो दोस्तों लोगो ही नहीं होगा तो वो उसके पैसे कैसे देंगे हम, विदाउट एनी लोगो काइन मास्टर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, काइन मास्टर का लोगो कैसे रिमूव करते हैं या फिर विदाउट एनी लोगो काइन मास्टर कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। फटाफट से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लिंक दूंगा तो दोस्तों लिंक क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाती है और आपको लगता है कि इस वीडियो में दम नहीं है या फिर वीडियो में कुछ गलत है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। जो मैं समझाता हूँ वो पूरी तरीके से बात सुनोगे, समझोगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्ट यही तरीका है और इसी तरीके से आप काइन मास्टर का लोगो रिमूव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको गूगल क्रोम पर चले आना होगा। दोस्तों गूगल क्रोम पर चले आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों सिंपली काइन मास्टर न्यू वर्जन 2021, यानी कि काइन मास्टर न्यू वर्जन 2021 लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको पहली वाली वेबसाइट पर चले आना है। तो दोस्तों पहली वाली वेबसाइट पर चले आओगे तो आपको यहाँ पर 4.16 MB की फाइल साइज मिलेगी, लेकिन आप दूसरी वाली वेबसाइट पर चले आओगे तो V.5.0 ऐप यानी कि एकदम नया वर्जन डाउनलोड करने को मिलेगा। तो काइन मास्टर मोड डॉट प्रो पर आपको चले जाना है दूसरी वाली वेबसाइट पर। और दोस्तों जैसे दूसरी वाली वेबसाइट पर चले जाता है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डाउनलोड APK करोगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसकी पूरी डिटेल देखना, उसकी पूरी डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या क्या वर्किंग होता है, क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं और किस तरीके से आपको उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल दे चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, नीचे आओगे तो दोस्तों उसके पूरे फीचर्स आप देख सकते हो, एडिट वीडियोज़ इन 4K 2021 मल्टी लेयर आप लगा सकते हो, 3D इफेक्ट लगा सकते हो, क्रोमा की कर सकते हो, विदाउट एनी ऐड है, नो वाटर मार्क। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों वाटर मार्क ही नहीं होगा, उसके पूरे जो वर्जन होंगे, फीचर्स होंगे वो अनलॉक रहेंगे। उसके बाद दोस्तों काइन मास्टर प्रो है, उसकी पूरी डिटेल है और दोस्तों उसको कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, क्रोमा की क्या है, उसके बाद दोस्तों एनिमेशन कैसे करते हैं, मल्टी लेयर कैसे लगाते हैं, मल्टी ट्रैक है, लाइव प्रीव्यू है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, नो एड्स है, उसके बाद काइन मास्टर प्रो क्यों आप यूज़ करोगे, क्या क्या है उसमें फीचर्स, वो सब कुछ के बारे में डिटेल में बात लिखी गई है, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद उसको डाउनलोड करना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पर डाउनलोड APK पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे डाउनलोड APK पर आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आओगे तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर टाइमर चल रहा है, जैसे टाइमर ख़त्म हो रहा है आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आप बहुत सारे तरीक़ों से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, मीडिया फायर लिंक से डाउनलोड करना है। जैसे मीडिया फायर लिंक से आप डाउनलोड करोगे 92.68 MB की फाइल साइज रहेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे थोड़ी देर के बाद पेज लोड होगा और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर दिखाता हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों जैसे कि मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, उसको यूज़ किया है, उसको पूरी तरीके से समझा है, उसी के बाद मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर पूरी डिटेल समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, फिर भी समझ में ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो दोस्तों मैं आपको 2 घंटे के अंदर 100% आपको जेन्युइन रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके हर एक वीडियो, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, तो प्लीज़
कुछ अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी मस्त कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपका प्यार आपका सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बार धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।